जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ठंडी हो रही है ना, राइट। सो देखो, आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऑफकोर्स आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए तो आता हूं मैं, राइट। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, हाँ, अब प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स मिल चुके हैं, आपको उनके मार्क्स मिल चुके हैं। अब उसकी परेशानी में बच्चे डूबे हुए हैं। ये सुनो, बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, और एक मैसेज जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि सर, मुझे सब कुछ आता था, मैंने तैयारी की थी, मुझे क्वेश्चन आता था, लेकिन कैसे गलत हो गया पता नहीं। मतलब अगर वो क्वेश्चन मैं घर में बैठ के करूंगा या करूंगी तो मैं पक्का ठीक कर दूंगी। सर, अगर यही प्री बोर्ड का पेपर मुझे आप घर से करने के लिए दे दो तो देखना 60%, 80%, 90% आप सोच नहीं सकते कितने मार्क्स आएंगे। यस नो, मतलब जितने आपके अभी रिजल्ट्स आए हैं उससे डबल ही आएंगे। जिन बच्चों के 80 में से 30-40 मार्क्स आए हैं, अगर घर पे करेंगे सर तो वो बोल रहे हैं कि 70 मार्क्स आ जाएंगे। और मजे की बात है दोस्त कि आप अकेले नहीं हो, ये आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, सर कैसा हुआ है कि आपने क्लास में, मतलब जब प्री बोर्ड आपने दिया तो आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया जो आपको आता था, आपने घर में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे गलत कर दिया, अगर आपने ये गलतियां करी है, राइट। पहली बात तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। यस नो, इसी पे डिस्कशन करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सोल्यूशन निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है ना, कि भाई अगर मैंने घर पे वो क्वेश्चन किया है, मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, तो क्लास में ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यस नो, राइट। अब इनफैक्ट ऐसा भी मैसेज मेरे पास आया कि सर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने घर पे किया और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया और मैंने गलत कर दिया। मजे की बात है दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सीए के टाइम पे, राइट। ठीक है कि घर में किया हुआ क्वेश्चन मैंने एग्जाम में गलत कर दिया, तो पहली बार नॉर्मल बात है, घबराओ मत कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो और ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना, तो पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, मान लेते हैं कि वही प्री बोर्ड का पेपर अगर आपको घर पे करने के लिए दिया जाए तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि मैं उसको मेजॉरिटी सही करूंगा, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही करूंगा, विद इन टाइम कर दूंगा, हाँ, लेकिन वही मेरे क्लास में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्त कुछ चीजें ऐसी हो रही है क्लास में जो नहीं होनी चाहिए। यही बात है कि भाई घर पे अगर आप अकेले बैठ के कर रहे हो तो क्लास में ऐसा क्या हो रहा है, क्वेश्चन करते टाइम ऐसा क्या गलत कर रहे हो, आप तो वही हो, आपका दिमाग वही है, तो ऐसे कैसे गलत हो रहा है, क्लास में कुछ गलत हो रहा है। सबसे पहला इसका रीजन है दोस्तों, आपके दोस्त इसका रीजन है। सर क्या बात कर रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो जो बातें मैं बोलने वाला हूं क्या उससे आप रिलेट कर रहे हो, अग्री करते हो या नहीं करते। सर दोस्त आपके रीजन क्या है। अब बात यह है, क्लास ट्वेल्थ में दोस्ती बहुत गहरी होती है। ये सुनो, आस पास आगे पीछे दाएं बाएं बैठने वाले जो दोस्त होते हैं उनके साथ दोस्ती बहुत गहरी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से यही चल रहा है कि दो क्वेश्चन तू करियो, और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं डिस्कस करूंगा, अरे सुनना क्या इसका आंसर ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर दो दोस्तों का आंसर मैच हो गया इसका मतलब आपने ठीक किया है, और अगर गलत हो गया तो इसका मतलब आपने ही गलत किया है। यही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, उसको मतलब मैं क्या बताऊँ कि उसको सब कुछ आता है और उसके प्री बोर्ड्स में इतने खराब मार्क्स आए ना, और रीजन क्या है, स्टार्टिंग से स्कूल के पेपर में गलत क्यों क्या करके आ रही है। उसने खुद एडमिट किया, क्या सर, कि एडमिट किया कि भाई दोस्तों की वजह से ऐसा हुआ। सर ऐसा इसलिए हुआ कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, यस नो, आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि आपने सही किया जब तक आप किसी से कन्फर्म नहीं कर लेते, जब तक कहीं से कन्फर्मेशन ना मिल जाए कि क्या ये आंसर सही है या नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ही नहीं कर रहे, ऐसा हो रहा या नहीं हो रहा, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आपने कोई क्वेश्चन किया, हाँ जी हमने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, फटाफट से मुझे उसका आंसर डिस्कस करना ही करना है। अगर आपका आंसर और आपके साथ बैठे वाले दोस्तों का आंसर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ही का गलत है, हुआ या नहीं हुआ, किया या नहीं किया, सच्ची सच्ची मुझे बताना, ठीक है। और अगर किया है तो ठीक है, राइट, अच्छी बात तो नहीं है, गलत बात है, लेकिन अब किया है तो किया, क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक करेंगे इसको। पहली बात, अगर आप बेटा घर पे बैठ के पूरा पेपर सही कर रहे हो और क्लास में बैठ के गलत कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि क्लास में जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है,
वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का। इस बात को पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्लास में जो हो रहा है ना वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्लास में वो प्रेशर है, वो सब चीजें, वो सब तो अलग बात। पहले तो जो दोस्तों वाली चीज है कि भाई अगर मेरा आंसर किसी के आंसर से मैच नहीं किया तो मेरा गलत है, राइट? उसको आप ठीक करोगे, आप उसको काटोगे, और बाद में पता चलता है कि आप ही का ठीक था। अरे सच में हुआ है भाई, सच में बता रहा हूं मैं, राइट? सच्ची घटनाएं हैं ये, ठीक है? और आपके साथ हुआ होगा, आप मुझे जरूर बताना कि भाई अगर मेरा और मेरे दोस्त का आंसर मैच नहीं हुआ तो मेरा गलत है और मैं उसको क्रॉस करके दोबारा करूंगा, आंसर मैच करूंगा, और पता चलता है कि दोनों का ही आंसर गलत था, आपने जो पहले किया था वो सही था। इसमें पता है आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपना ही लॉस कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्त आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्लास में भी उसी तरीके से पेपर करना है जिस तरीके से आप घर में कर रहे हो। एक यही सॉल्यूशन है, एब्सोल्युटली यस, कि अगर आपका घर में दिमाग जिस तरीके से चल रहा है, आप चाहते हो वही वैसा ही दिमाग आपका क्लास में भी चले, तो दोस्त आपको सोचना उस तरीके से पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्लास में कोई भी नहीं है, आपके दोस्त यार अनफॉर्चुनेटली आपको मानना पड़ेगा नहीं है, आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, भूल जाओ बेटा वो कौन है। यहाँ पे अगर आपने दोस्ती निभाई तो फिर कहीं ना कहीं जो आपके साथ हो रहा है वो होता ही रहेगा, ये सच बात है, राइट? अब आपको दोस्ती थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी और आपके दोस्तों को भी ये समझना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा, मान लो आपका कोई दोस्त पढ़ के नहीं आ रहा, आपके भरोसे आ रहा है, तो वो उसकी गलती है, आप क्यों भुगत रहे हो? पेपर कर लो पूरा का पूरा, उसके बाद टाइम बचे उसके बाद जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक आपका अकाउंट्स का पेपर पूरा नहीं हो रहा है, आपको यही मान के चलना है कि क्लास में कोई भी नहीं है। अभी तो ये प्री बोर्ड्स में हो रहा है भाई, बोर्ड्स में भी यही बच्चे आपके साथ होंगे, यही दोस्त आपके साथ होंगे, फिर क्या करोगे? तो पहले उनकी मदद कर लो फिर आप, और अपनी मदद कौन करेगा भाई, पहले अपनी मदद करो ना, यस और नो? तो जब आप क्लास में बैठे हुए हो ना तो प्लीज फोकस के साथ सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है कि भाई ये मेरा 3 घंटे का पेपर है, जब तक मेरा ये पेपर नहीं होगा तब तक मैं ना तो यहां देखूंगा देखूंगी, ना यहां देखूंगा देखूंगी, ना आगे ना पीछे। मान लो कि आप घर में ही बैठे हुए हो, यस और नो? जैसे घर में आप 3 घंटे के अंदर सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, बस वही करने जाना है आपको, और वो तभी पॉसिबल है जब यहां पे आप मान लोगे कि भाई मुझे किसी की नहीं सुननी। जो अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, भाई बच्चों के आंसर पॉइंट में आते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है कि आंसर पॉइंट में कैसे आ गया। भाई सुनो, क्वेश्चन को जब कर रहे हो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करो, उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है मान के चलो कि वो सही है, बाकी सबका गलत है, बेशक आंसर किसी का कुछ भी आ रहा हो, राइट? आपका सही है, ठीक है? जब तक पेपर पूरा नहीं होता उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और आगे चलो, उसको भूल जाओ। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए उसके बाद रिवाइज करो, यही करना होता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, दोस्ती निभानी है, हाँ हमने भी निभाई थी, लेकिन जब टाइम आ गया था अपनी मदद करने का तो अपनी करी थी भाई, बाकियों की बाद में, अपनी करो पहले, ठीक है? सेल्फिश होना पड़ेगा, सेल्फिश की बात नहीं है यहाँ पे यार, भाई सुनो मेरी बात, ठीक है? जिन दोस्तों की आप मदद कर रहे हो, अगर उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो क्या वो आपके रुक जाएंगे? नहीं ना, वो तो जाएंगे ना अपने कॉलेज। तो ये मत सोचो कि भाई अब मुझे दोस्ती निभानी है, सर आखिरी साल है स्कूल का, निभा ली बेटा जितनी निभानी थी। ये सुनो, पेपर के पहले निभा लो, पेपर के बाद निभा लो, पेपर के टाइम पे नहीं निभानी है। बात समझ में आ गई, और आपके दोस्त भी समझ जाएंगे ये बात। अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर वो दोस्ती नहीं है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें जो आपसे हो रही है ना, गलतियां हो रही है, अपने बोर्ड्स के आने से पहले इसको सुधार लोगे तो बेटर रहेगा। जिनका प्री बोर्ड्स 2 है, अभी 2 बार प्री बोर्ड होते हैं स्कूल में, एक बार हो चुके हैं जिसमें आपने गलतियां करी है, कोशिश करेंगे प्री बोर्ड 2 में ऐसा ना हो। तो इतना टेंशन मत लो कि सर घर पे किया हुआ तो सब कुछ आता है, घर पे सब कुछ हो रहा है, क्लास में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्लास में आप कर नहीं रहे हो। जिस तरीके से आप घर पे फोकस के फोकस में बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में 3 घंटे में पेपर कर रहे हो, वही एनवायरनमेंट आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी बातें कर रहे हैं सब भूल जाओ, इतना फोकस आपको होना है, आपको बस पेपर पे ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन पे, अपने आंसर पे ध्यान देना है, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? और बाकी टेंशन मत लो यार, टेंशन काहे को ले रहे हो? जो गलतियां हुई है, प्री बोर्ड्स होते ही क्यों है? प्री बोर्ड्स होते ही इसलिए हैं कि भाई गलती आइडेंटिफाई करो ताकि वो आगे जाके ना हो। आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली, हाँ उसका सोल्यूशन आपको निकालना है, निकालो अच्छे से, उसको प्री बोर्ड 2 में इंप्लीमेंट करो और बस टेंशन मत लो, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि घर में सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कवर हो चुके हैं ना, यस और नो? क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है फिर भी नंबर नहीं आ रहे। बेटा इसके यही कुछ रीजंस हैं कि क्लास में आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिलेटेबल था और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी आप क्लासरूम में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उस पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है ना। और इसकी डिस्कशन ज्यादा होती नहीं है, ज्यादा गाइड करने वाले लोग इसमें है नहीं। अब उनको क्या पता भाई, बाकी को क्या पता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो? ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही है और क्या आपको करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं, जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अगर आपको सोल्यूशन मिल गया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।